बिहार समेत राज्य के अन्य जिलों में पिछले 3-4 दिनों में सूबे में प्री मॉनसून गतिविधियों में बढ़ोतरी की वजह से उमस और गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कई जगहों पर आंधी और बारिश की स्थिति बनी। शनिवार को जारी बारिश के आंकड़ों के अनुसार बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में 48.2 मिमी, सारण के माझी में 46.6 मिमी, भोजपुर के संदेश में 45.8 मिमी, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में 42.6 मिमी, मुजफ्फरपुर के सरैया में 41.8 मिमी, पटना के बिहटा में 41.8 मिमी, सारण के दिगवारा में 39.2 मिमी, सुपौल के त्रिवेणीगंज में 38.4 मिमी, भोजपुर के शाहपुर में 37.6 मिमी बारिश हुई। आपको बता दें, दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। मौसम विभाग ने शनिवार को इसका पूर्वानुमान जारी किया। केरल में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है, लेकिन इस बार 4 जून तक यह केरल में दस्तक देगा। बिहार में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 13 से 14 जून है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के प्रभावित करने वाले अहम कारक अल नीनो का प्रभाव जून से ही दिखने लगेगा। पहले जुलाई में इसके प्रभावी होने का अनुमान किया जा रहा है। वर्तमान में ENSO स्थितियां पूरे भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में मौजूद है और समुद्री सतह का तापमान मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में औसत के करीब या उससे अधिक है। मॉनसून मिशन जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली और अन्य वैश्विक मॉडल से प्राप्त नवीनतम पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी मॉनसून के दौरान अल नीनो की स्थितियां बनने की उच्च संभावना है। बिहार में जून महीने में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम होगी। अल नीनो का प्रभावी होना इसकी अहम वजह है। इसका प्रभाव पूरे मॉनसून पर दिखेगा और बिहार में मॉनसून अवधि यानी जून से अक्टूबर तक सामान्य से कम बारिश होगी। इस अवधि में सामान्य बारिश 1017.2 मिमी है, जबकि जून में सामान्य बारिश का मानक 167.7 मिमी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।